हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक के न्यू एपिसोड के बारे में, जहां हमें शेन मैकमैन की वापसी के साथ एक जायंट सुपरस्टार का डेब्यू दिखा। वहीं एक बार फिर सेथ रॉलिंस और डोमिनिक आमने सामने आए। क्या हुआ इनके बीच? अब WWE ने इस एपिसोड के लिए कुछ नया ट्राई करा, जिसका नाम रॉ अंडरग्राउंड रखा है। काफी कुछ दिखा इस एपिसोड में, वो आप तब जान पाएंगे जब वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत MVP वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच मैच से हुई। MVP के साथ बॉबी लैशले और शेल्टन बेंजामिन दोनों मौजूद थे। अपोलो ने ओल्ड टाइटल के साथ और MVP ने न्यू डिजाइन के साथ एंट्री करी। MVP ने कहा कि वो रियल चैंपियन है, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में अपोलो नहीं थे। अब कौन रियल चैंपियन है, उसके लिए इनके बीच मैच शुरू हुआ। अच्छा मैच देखा दोनों के बीच। अपोलो और MVP दोनों ही एक दूसरे पर कम नहीं पड़ रहे थे, बट एंड में अपोलो ने MVP को हरा दिया और वो बन गए रियल चैंपियन। दोनों टाइटल अब उन पे ही थे। हार के बाद MVP ने हार का ठीक रहा बार बार लाइट ऑफ होने को बताया और SummerSlam में रीमैच की डिमांड भी कर डाली। अब लगता है कि ओल्ड टाइटल रिटायर हो चुका है। इसके बाद हमें बैक से दिखा कि एक जाइंट मैन डोर के साइड खड़ा हुआ है। ये कोई और नहीं, जाइंट निंजा है। कमेंट्री टीम कहती है कि ये शेन मैकमैन के दिमाग की कुछ नई उपज है। वहीं बैक स्टेज हमें बैले और शाशा बैंक्स अपने टाइटल के साथ दिखाई दी, जहां वो कहती हैं कि पिछले कुछ वीक से हम WWE को डोमिनेट कर रहे हैं। तभी आस्का ने शाशा बैंक्स और बैले को धमकी दी कि अब बदला लेने में मजा आएगा। फिर वहां दिखाई दी शाइना बेजलर, जिन्होंने एक जोरदार पंच शाशा बैंक्स को दिया और उन्हें वहीं चित कर दिया। नेक्स्ट बैक स्टेज केविन ओवंस और आइकॉनिक आमने सामने दिखाई दिए, जहां आइकॉनिक केविन ओवंस से कहती हैं कि हम तुम्हारे शो पर आना चाहते हैं। केविन ओवंस कहते हैं कि आज के लिए मेरे शो पर ऑलरेडी गेस्ट डिसाइड है। इसके बाद केविन ओवंस का शो दिखा, जहां केविन ओवंस कहते हैं कि आज के शो में काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक शेन मैकमैन का रिटर्न भी है। हालांकि ये वो नहीं है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। तभी केविन ओवंस अपनी गेस्ट रूबी राइट को बुलाते हैं। आइकॉनिक की जगह रूबी राइट को गेस्ट बनाने पर आइकॉनिक बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दी। इसके बाद लिव मॉर्गन भी यहां दिखाई दी। केविन ओवंस लिव मॉर्गन को रूबी राइट की कुछ बात सुनने के लिए मना लेते हैं। अब माइक के साथ भी कुछ साउंड प्रॉब्लम दिखाई दी। रूबी राइट कहती है कि जब मैं वापस आई तो मैंने तुम्हें अच्छे से एस्टेब्लिश होते देखा, जिससे मुझे जलन हुई, और खास करके जब तुमने मुझे दो बार मारा। रूबी ने कहा कि मैं सारा लोगन के बिना वापसी को तैयार नहीं थी, मैं गलत थी। इसके बाद रूबी राइट ने लिव मॉर्गन से राइट स्क्वाड के बारे में कहा और बोला कि पहले से और भी जबरदस्त बनाते हैं। तभी आइकॉनिक की एंट्री हुई। केविन ओवंस दोनों को वहां से जाने को कहते हैं, बट आइकॉनिक रूबी राइट और लिव मॉर्गन को मैच के लिए चैलेंज करती हैं। तभी आइकॉनिक रिंग में केविन ओवंस के सामने आकर केविन ओवंस को थप्पड़ रसीद देती हैं। फिर केविन ओवंस लिव मॉर्गन और रूबी राइट की तरफ देखते हैं। इसके बाद दोनों आइकॉनिक पर अटैक कर देती हैं। नेक्स्ट समय आइकॉनिक वर्सेस राइट स्क्वाड के बीच मैच दिखा। एक बार फिर लिव मॉर्गन और रूबी राइट आइकॉनिक के खिलाफ एक साथ नजर आईं और इस मैच में जीत दर्ज करी। अब बैक स्टेज MVP के रीमैच को अपोलो क्रूज ने एक्सेप्ट कर लिया SummerSlam के लिए। शायद हर्ट बिजनेस के लिए यह शो अच्छा नहीं था। शेल्टन बेंजामिन का टाइटल किसी ने चुपके से खिसका लिया। नेक्स्ट हमें ड्रू मैकइंटायर की एंट्री दिखी। शुरू में आके उन्होंने जो कुछ कहा उससे लगा कि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने जिस तरह से ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करा था, उससे ड्रू मैकइंटायर खुश नहीं थे। फिर ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि मैं टाइटल को बचाने के लिए मोटिवेट हूं और रैंडी ऑर्टन इसको हासिल करने के लिए मोटिवेटेड है। फिर मैकइंटायर खुद को रैंडी ऑर्टन से कंपेयर करते हैं और रैंडी ऑर्टन के निकालने वाली बात पर कहते हैं कि ऑर्टन ने बहुत गलतियां करी हैं, मुझसे ज्यादा बार उसे निकाला जाना चाहिए था। अब देखिए रैंडी ऑर्टन, और उन्होंने कहा कि मुझे ड्रू मैकइंटायर की फाइटिंग स्पिरिट काफी पसंद है। अब अंदाजा लगाएं कि कौन वापस आया है, वो थे रिक फ्लेयर। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर को एक ओरिजिनल ओपिनियन के साथ आने को कहते हैं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने कभी भी बैकस्टेज किसी को हेल्प नहीं करी और लॉकर रूम को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। तभी बैकस्टेज केविन ओवंस और फ्लेयर आमने सामने आते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब एक गाइडेंस काउंसलर बन गया हूं, बट तुम्हारे पास जो टैलेंट है उसे तुम नहीं दिखा रहे हो। केविन ओवंस कहते हैं कि मैं ऑर्टन बनने की कोशिश कर रहा हूं। केविन ओवंस ने काफी कुछ सुना और फिर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को नेक्स्ट वीक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। अब नाया जैक्स दिखाई दी लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसको एड्रेस करने के लिए। नाया जैक्स आके पैट बक के बारे में बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि मैं उसे देख नहीं सकती और माफी भी मैं उससे नहीं मांगूंगी, इससे अच्छा है कि मैं उसे मैच के लिए चैलेंज करूं। पैट बक इस चैलेंज से खुश नहीं थे और कहते हैं कि WWE ऑफिशियल्स के साथ तुमने जो करा है उसके बाद तुम्हें विदाउट पे अनिश्चित टाइम के लिए सस्पेंड करा जाता है। ये सुन के नाया जैक्स का मूसा उतर गया और उन्होंने खिसिया के पैट बक को फिर से मारा और वहां से चली गई। अब हमें आर्ट्रूथ वर्सेस अकीरा टोजावा वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच मैच देखा। मैच के शुरू होते ही अकीरा रिंग के बाहर चले जाते हैं, फिर आर्ट्रूथ शेल्टन बेंजामिन भिड़ जाते हैं। इसके बाद अकीरा आके शेल्टन को पंच मारते हैं, बट शेल्टन को उससे कुछ भी असर नहीं होता है।
फिर अकीरा में जबरदस्त पावर बम पड़ता है, तभी निंजास भी आके अटैक करते हैं तो उनमें भी जबरदस्त मार पड़ती है जिसमें एमवीपी और बॉबी लैशले भी शामिल थे। इस मैच के एंड में अकीरा आर्ट्रुथ और शेल्टन बेंजामिन को हरा के न्यू 24/7 चैंपियन बन जाते हैं। बैक स्टेज शेन मैकमैन दिखे जहां कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वो आके कहते हैं कि 10 PM EST रॉ अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये एक तरह का फाइट क्लब है जिसमें डब्बा काटो नाम का रेसलर दिखा जो कि 7 feet लंबा जॉइंट मैन था जिसने 2 लोगों को हराया और शेन मैकमैन ने जम के उसकी बड़ाई करी। वहीं यहां चीयर्स लीडर भी डांस करती हुई दिखाई दी। इसके बाद बैक स्टेज डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरव्यू दिखा जहां वो कहते दिखाई दिए कि मैं सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच चाहता हूं और रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैंने अपने पापा को अंधा होते देखा है। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो समर स्लैम के लिए सैथ रॉलिंस को चैलेंज कर देते हैं। अब हमें साशा बैंक्स वर्सेस शायना बेसलर के बीच मैच दिखा। बैंक्स के साथ पहले भी मौजूद थी। मैच शुरू हुआ और साशा बैंक्स ने पहले अटैक करना चाहा बट शायना बेसलर ने बैंक्स पर मूव लगाए और उन्हें सबमिशन भी लगाया बट तभी बेले भी बीच में आई। इसका फायदा बैंक्स ने उठाया और शायना बेसलर पर काफी देर हावी दिखाई दी। तभी शायना ने जोरदार किक्स साशा बैंक्स को दी बट ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया गया बट पता नहीं क्यों। तभी आस्का भी बेले पर अटैक कर देती हैं और जम के उनमें मार देती हैं। फिर बैंक्स और बेले वहां से खिसक लेती हैं। वहीं हमें बैकस्टेज 2 लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तभी शेन मैकमैन रॉ अंडरग्राउंड के बारे में सबको बताते हैं, वो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद हमें गार्जा वर्सेस डॉकिंस के बीच मैच दिखा। शुरू में डॉकिंस ने जम के गार्जा में मार दी बट एंड में वापसी करते हुए गार्जा ने ये मैच जीत लिया। इसके तुरंत बाद ही हमें आंद्रादे वर्सेस फोर्ड के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच जिसमें जोरदार मूव और एक्शन से भरपूर था बट फोर्ड अचानक से रिंग में बेसुध होकर गिर पड़ते हैं, फिर मैच वहीं रोक दिया जाता है। बताया गया कि बैक स्टेज इस मैच से पहले फोर्ड को किसी ने पॉइजन दिया है। अब हमें सेथ रॉलिंस और मर्फी दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस ने आके कमेंट्री में बैठे टॉम को टारगेट करा और कहा कि वो पिछले हफ्ते कहां थे जब डोमिनिक ने उन पर अटैक करा था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि टॉम ने काफी खराब काम करा है और अब टाइम आ गया है कि एक नई वॉइस को खोजा जाए। काफी देर बाद समुआ जो टॉम के लिए खड़े होते हैं और मर्फी से दूर जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों रिंग में जाओ नहीं तो। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि समुआ जो ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे, जो कहते हैं मैं करूंगा। तभी सेथ रॉलिंस और मर्फी चेयर लेके रिंग में तैयार हो जाते हैं समुआ जो को मारने के लिए। तभी अचानक से डोमिनिक कैंडो स्टिक से आके दोनों पर अटैक कर देते हैं और जाके दोनों में जमकर मार देते हैं। सेथ रॉलिंस को 619 भी पड़ी और दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया डोमिनिक ने। फिर से हमें शेन मैकमैन दिखाई दिए जहां डॉल्फ जिगलर एक फाइट का हिस्सा थे और उन्होंने सबमिशन लगा के उस फाइट को जीत लिया। फिर वहां हर्ट बिजनेस पहुंची और बॉबी लैशले ने एक इंसान को पकड़ के पीट डाला। मुझे लगता है कि ये एक तरह का फाइट क्लब है। यही आज का शो एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के शो में। शेन मैकमैन का रिटर्न, डब्बा काटो का डेब्यू और रॉ अंडरग्राउंड के नाम से फाइट क्लब। शो काफी ज्यादा लंबा था। वहीं आज के एपिसोड में समर स्लैम के लिए भी कुछ मैचेस सामने आए। ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो शो काफी अच्छा लगा जिससे फैंस ने रियली एंजॉय किया होगा। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।